हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स आर में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। धन्यवाद बहुत आपका। आज हम टीम इंडिया के एक ऐसे प्लेयर की कुंडली का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिन्हें हाल ही में टीम इंडिया की कैप्टेंसी मिली है। हम बात कर रहे हैं हिट मैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा की। और वो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए 2022 में T20 का वर्ल्ड कप है और उसके बाद यानी कि 2023 में 50-50 का भी वर्ल्ड कप है। सवाल उठता है कि विराट कोहली जो अपनी कैप्टेंसी में टीम इंडिया को एक भी ICC की कोई ट्रॉफी नहीं जिता पाए, क्या वो रोहित शर्मा कर पाएंगे? जो कारनामा विराट कोहली नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में, क्या वो रोहित शर्मा करके दिखा पाएंगे? क्या टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? क्या टीम इंडिया को 50-50 का वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या नहीं? या फिर यूँ कहें कि साल 2022 में हिट मैन के सितारे क्या होते हैं, ये आज हम जानेंगे उनके स्टार्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। मयंक जी से मयंक जी, सबसे पहले तो जो इनके स्टार्स हैं रोहित शर्मा के, उन स्टार्स का एनालिसिस करके हमें बताइए कैसे। देखिए, रोहित शर्मा का जो जन्म है वो 29 अप्रैल 1987 का है जी, और दोपहर के 12:30 बजे का उनका जन्म है, जो हमें जन्म कुंडली इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें तो उनका कर्क लग्न है और मेष राशि है। तीसरे भाव में उनके केतु है, पंचम भाव में शनि है, नवम भाव जो कि हमारा राजयोग का होता है, हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है नहीं, वहाँ पर उच्च का शुक्र बैठा है और बृहस्पति स्वराशि के हैं और साथ में राहु भी है, और दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, और 11वें भाव में उनके मंगल है जो कि उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये इनकी गृह स्थिति है और वर्तमान में उनको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में उनको शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2020 नवंबर से इनको शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई थी और ये इनके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा था। अभी ये अंतर्दशा 2 साल रहेगी, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तो सितारे तो उनके कह रहे हैं कि आने वाले 3-3.5 साल जो हैं वो रोहित शर्मा के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आने वाले 3-3.5 साल बहुत शानदार रहने वाले हैं। देखिए, यहीं से बात आती है कि देख सोर्सेज जो कहते हैं कि आने वाले 2 सालों तक तो देखिए कैप्टेंसी रोहित शर्मा ही करेंगे टीम इंडिया की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले बात तो आती है T20 को लेकर, क्योंकि देखिए विराट कोहली के उसमें तो टीम इंडिया कई बार चुकी है ICC ट्रॉफी को हासिल करते करते, लेकिन क्या रोहित शर्मा अपने इस टेन्योर में वो काम कर पाएंगे, टीम इंडिया को जिता पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं रोहित शर्मा के अंदर MS धोनी की छवि भी देखता हूँ, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों के गहरा नक्षत्र काफी एक जैसे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए आपने जैसे कहा ना कि दोनों के स्टार्स जो हैं सिमिलर हैं, तो वो किस तरह से सिमिलर है पहले वो समझाइए। देखिए, अगर हम धोनी की कुंडली में देखते थे तो वहाँ सूर्य और बुध की स्थिति बहुत अच्छी थी और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसी तरह रोहित शर्मा की कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य की स्थिति बहुत ही बलवान है और इनका भी बुधादित्य योग है और उनके कुंडली में बुधादित्य राजयोग था और वो दोनों की कुंडली में केंद्र में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोहित शर्मा कप्तान बनाए दिए गए हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि रोहित शर्मा जो हैं विराट कोहली से ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे और कहना चाहिए कोई बड़ी ट्रॉफी भी इनके नाम हासिल होगी, ऐसे इनके घर कह रहे, क्योंकि इस समय ये राजयोग कारक दशा भोग रहे हैं, इसलिए इनको वनडे और T20 की कप्तानी मिली है। और आप देखिए, आने वाले 2 वर्षों में बैक टू बैक ICC की ट्रॉफीज होंगी, ICC ट्रॉफीज रहेंगी, चाहे तो T20 वर्ल्ड कप हो 2022 में और 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप होगा, यानी कि 50-50 का। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि रोहित शर्मा ना सिर्फ बल्ले से बल्कि कप्तानी से भी दर्शकों का मन मोह लेंगे। अब अगर हम यहाँ रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की बात की जाए तो देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आने वाले 2 सालों में इनका मतलब इनकी फॉर्म कैसी रहेगी और मैचेस को जितवाने में कितनी बड़ी भूमिका, कितना बड़ा ये रोल प्ले करेंगे? देखिए, इनका जो एक बहुत शांत रह के जो कप्तानी करते हैं ना, वो इनकी बहुत बड़ी खासियत है, तो वो धोनी की याद दिलाती है कि वो भी बहुत बिल्कुल कूल कैप्टन थे, विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराते थे। यही काम रोहित शर्मा का है कि कूल टेम्परामेंट के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर परिस्थिति विपरीत भी हो तो अपने कहना चाहिए बल बुद्धि से उसको अपने पक्ष में ले आते हैं, ऐसा इनका दिमाग तेज चलता है और ग्रह भी इनके ऐसी बता रहे हैं, और इस समय शुक्र की दशा इनके ऊपर है, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बल्ले से तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यानी कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है इनके इर्द गिर्द घूमेगी और टीम के लिए बड़े कहना चाहिए ये ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं आने वाले 2-3 वर्षों में। आप देखेंगे कि रोहित बहुत अच्छे खासे रन बनाएंगे
और कई मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिलेंगे, यानी भारत की जीत में रोहित की कप्तानी और रोहित के जो रन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। जितना ज़्यादा रन रोहित बनाएंगे टीम इंडिया की जीतने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी आने वाले समय में। वहीं से देखिए, ये तो हमने बता दिया कि एक अच्छी फॉर्म में ये लोगों को दिखेंगे, लेकिन देखिए जितना मैंने क्रिकेट को समझा, मैं क्रिकेट को जितना देखती हूँ, मैंने ये देखा है कि जब किसी प्लेयर के पास कैप्टेंसी आती है या फिर टीम की कमान आती है तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है पहले एज अ प्लेयर, वो धड़ाधड़ रन बनाता है, विकेट्स लेता है, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छे ढंग से करता है, लेकिन जब कैप्टन बन जाता है तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और फिर उसका उसकी जो फॉर्म होती है ना वो नज़र नहीं आती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ MS धोनी जी की, पहले उनका हेलीकॉप्टर शॉट इतना फेमस होता था, कितनी बार मिलता था देखने को, लेकिन कैप्टनसी के बाद बहुत कम मौक़ों पे दिखा। और अब जो कि रोहित शर्मा भी अब कैप्टन बन गए हैं तो उसी फॉर्म में नजर आएंगे जैसे एज अ प्लेयर टीम इंडिया में ये परफॉर्म करते आए हैं। देखिए, ज्योतिष में कहा गया है कि समय की बात होती है, अगर ग्रह आपके ऊपर शुभ चल रहे हों तो ऐसे समय पर भाग्य आपका साथ देता है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बरकरार रहता है। स्टार्स चेंज हो सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब आपको अगर दशा अंतरदशा दोनों शुभ चल रही हैं, जितने समय तक वो शुभ चलेंगी उतने समय तक तो खिलाड़ी रन भी बनाएगा और मैच भी जीतेगा। तो रोहित के सितारे बड़े प्रबल हैं इस समय पे, उनको कैप्टनसी मिली है, आगे रन भी बनाएंगे, कोई प्रेशर उनके ऊपर कैप्टनसी का नहीं रहेगा। अब देखिए, इस समय विराट कोहली के ऊपर बड़ा दबाव था, हमने आपको याद हो कुछ महीनों पहले आपके सारे वीडियो करके बताया भी था कि ICC ट्रॉफी होने वाली T20 विराट नहीं जीतेंगे और कैप्टेंसी वनडे की भी जा सकती है, तो वो बात सच भी हुई है। तो कहीं ना कहीं विराट के ग्रह इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर कैप्टेंसी का प्रेशर भी था, 2 साल से सेंचुरी भी नहीं बनी है, तो इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं जब समय खराब होता है तो हर चीज़ें खराब होती हैं। समय जब रोहित का अच्छा है तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि ये कहना चाहिए डबल सेंचुरी भी बनाएंगे और रनों को अंबार भी लगाएंगे और जैसे हिटमैन के रूप में जाने जाते हैं तो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैच जितवाएंगे। कहते हैं जब इंसान आगे बढ़ता है तो विवाद भी उनसे जुड़ते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती, तो ऐसी कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जो इनसे जुड़ती है? ऐसे फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि अगर ग्रहों नक्षत्रों की बात करें तो टीम को एकजुट बना के रखेंगे और सभी खिलाड़ियों के साथ अच्छी तरीके से इनका बिहेवियर भी रहेगा और टीम को एकजुट होकर लेकर चलेंगे, क्योंकि वनडे और T20 दो कप्तानी इनके पास अभी हैं। आने वाले समय में इनकी पॉपुलैरिटी कितनी देखने को मिलेगी? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि कप्तान बन गए हैं तो अब कहते हैं ना कि कप्तान के इर्द गिर्द हर कोई खिलाड़ी घूमना चाहता है, तो इनकी पॉपुलैरिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा और कहना चाहिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ भी भारत को आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगी। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिरकार 2022 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023 में जो 50-50 का वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या ये दो ट्रॉफी जो सबसे मेन हैं, क्या ये टीम इंडिया के खाते में ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे रोहित शर्मा, ये जान लेते हैं। देखिए, रोहित शर्मा के भाग्य का सितारा बड़ा मजबूत है और मुझे याद आता है कि एक रन से चेन्नई सुपर किंग को फाइनल में मात दी थी और ट्रॉफी जीती थी जी IPL की, तो IPL भी कई बार जितवा चुके हैं और बड़े भाग्यशाली कप्तान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि टीम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए लकी रोहित शर्मा साबित होंगे और पूरी संभावनाएं हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कि कोई एक से ज़्यादा ट्रॉफी, यानी कि एक से ज़्यादा ICC ट्रॉफी अपनी कैप्टनसी में रोहित शर्मा जरूर जितवाएंगे। तो मैं ये आपकी एक बड़ी प्रेडिक्शन होगी स्पोर्ट्स आर पे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया कोई एक ट्रॉफी तो लेकर ही आएगी, एक से ज्यादा की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि ये अगर 2 साल के लिए कैप्टन बने हैं या 3 साल भी आगे रहते हैं तो आने वाले बैक टू बैक 3-4 साल ICC की ट्रॉफीज हैं, तो उम्मीद है कि एक से ज्यादा ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। चलिए, तो ये तो थी मयंक शर्मा जी की प्रेडिक्शन रोहित शर्मा को लेकर। देखिए, प्रेडिक्शन जो होती है संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, यानी कि साल 2022 और 2023 में देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी कैप्टेंसी में हमारी टीम इंडिया क्या कमाल करती है। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।